व्हाट्स अप गाइस, कल इंडिया वर्सेस हांगकांग का मैच स्पेशल था मेरे हिसाब से सूर्य कुमार और विराट कोहली के लिए. दोनों मतलब विराट कोहली अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, बहुत अच्छी लय में, और सूर्य कुमार ने भाई साहब ताबड़तोड़ बैटिंग. तो आज रौनक का क्या कहना है, बहुओं के स्टाइल में देखते हैं वीडियो में. टाइटल है सूर्या मस्त हांगकांग पस्त, इंडिया वर्सेस हांगकांग एशिया कप, और टाइटल में लिखा है गणपति बप्पा मोरिया पीट डाला सूर्या. तो लेकिन एक चीज है, बाद में बताऊंगा मैं वीडियो के बाद, तो जरूर देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो और जोड़कर डिस्क्रिप्शन में चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें, लाइक करें शुरू. 1 2 3 एंड गो. देखो हांगकांग वालों को ये तो नहीं पूछ सकते ना कि सूजी है, इसलिए सूर्या भैया के लिए बोल देते हैं म्यूजिक के साथ एक अचवादा सूर्या दादा. सूर्या नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक, रणतंत्र में वेलकम. और जब भी मल्टी कंट्री टूर्नामेंट होता है तो लोग बिल्कुल ही जॉली एलएलबी के अर्शद वारसी बन जाते हैं और एसोसिएट टीमों को देखकर पूछते हैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं. बड़े टूर्नामेंट में एसोसिएट टीमों की पार्टिसिपेशन पर हमेशा से डिबेट रही है. वो बता रहे थे कई लोगों को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में छोटी टीमों का होना टूर्नामेंट का मजा किरकिरा कर देता है, जैसा कई लोगों को इस टूर्नामेंट में हांगकांग के लिए लग रहा है. लेकिन उससे पहले आप हांगकांग की टीम के बारे में जरा जान लीजिए. इस टीम के लिए क्रिकेट सब कुछ है. इस टीम के कई खिलाड़ी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वापस जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने अपने कामों में लग जाएंगे. इनमें से कुछ लोग हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए फूड भी डिलीवर करते हैं. पिछली बार जब एशिया कप में ये टीम इंडिया के सामने आई थी तो इन्होंने लगभग अपसेट ही कर दिया था. इंडिया महज 26 रन से जीतने में कामयाब हुआ था. इस एशिया कप में भी इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही हांगकांग को पता नहीं है कि अब उनका अगला मुकाबला इन बड़े देशों के साथ कब होगा. ऐसे में जब इन खिलाड़ियों को क्रिकेटिंग सुपर पावर के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है तो इनके लिए बात सिर्फ जीते हार की नहीं होती. अब देखिए ना, कल हांगकांग ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और उनके गेंदबाज आयुष शुक्ला ने जब इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को आउट किया तो ये आयुष के लिए जिंदगी भर की कहानी हो गई. एक ऐसी कहानी जिसको वो अपने बच्चों को और फिर उनके बच्चे अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे. एक 19 साल के हांगकांग के लड़के के लिए भारतीय कप्तान को आउट कर देना किसी फेरी टेल से कम नहीं है. लेकिन इंडिया के लिए उनका आउट होना एक हॉरर स्टोरी थी, क्योंकि पावर प्ले में वही थे जो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर बल्लेबाजी करते. क्योंकि केएल राहुल ने तो फॉर्म में वापस आने के लिए जिस तरह की बल्लेबाजी करी है ना, ऐसा लगा है कि आउट ऑफ फॉर्म रहते तो ही ज्यादा अच्छा था. सच बताऊं तो पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई राहुल की पारी हांगकांग के खिलाफ खेली गई राहुल की पारी से ज्यादा यूजफुल थी. केएल राहुल एशिया कप में इतने वक्त बाद टी20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं और लग रहा है कि वो खेलना भूल गए. उन्होंने 39 गेंदों में 36 की पारी खेली, मतलब उनको खेलता देखकर फिनाइल से आंखें धो लेने का. राहुल का कल इंडिया के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन यही रहा कि वो आउट हो गए. ये सब क्या देखना पड़ रहा है, कॉमेडी अच्छा है, मैं अंधा हूं. क्योंकि उनके आउट होने के बाद आए सूर्य कुमार यादव ने बताया कि आखिर टी20 में बैटिंग कैसे करी, कैसे कर. राहुल का कल का स्कोर क्रॉस करने में स्काई भैया को सिर्फ 17 गेंदे लगी. दूसरी तरफ कोहली ने भी वो नजारा दिखा दिया जिसका इतने टाइम से इंतजार था. तीन इतने बढ़िया बढ़िया छक्के जिनको देखकर जा सकती, मतलब बिल्कुल वही 2019 से पहले वाले विराट जिनको देखकर गेंदबाज गेंदबाजी करने से मना कर देते, वो वाले विराट. एशिया कप में अभी तक उनसे पहले किसी बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी. एशिया कप में किंग की वापसी का इंतजार था और किंग ने कांग के खिलाफ हांगकांग के खिलाफ एशिया कप में पहली हाफ सेंचुरी लगाई. फरवरी के बाद से टी20 इंटरनेशनल में कोहली की ये पहली हाफ सेंचुरी थी. कोहली की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई तो पीछे पीछे सूर्या भैया ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया. आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर सूर्या ने 26 गेंदों में 68 रन बनाए, कोहली 59 बनाकर नॉट आउट रहे और इंडिया ने हांगकांग के सामने 193 का टारगेट रखा. फिलहाल आपको बता देते हैं कि टीम इंडिया ने कल जीत कैसे डाउनलोड करी. कल का मैच हार या जीत का तो था ही नहीं, क्योंकि ये तो पता था कि जीतेगी तो इंडिया ही. ऊपर से 193 का टारगेट, हांगकांग दो बार में भी चेज नहीं कर पाती हुई है. लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बाबर हयात ने पावर प्ले में थोड़े से करण माइनस जौहर दिखाए, बल्कि पावर प्ले में तो हांगकांग का स्कोर इंडिया से बेहतर था. लेकिन जैसे ही पावर प्ले के बाद प्लेयर्स बाउंड्री पर फैले, हांगकांग की पारी पर रायता फैल गया. देखते ही देखते रिक्वायर्ड 100 बुर्ज खलीफा से भी ऊपर निकल गया. ये और ऊपर निकल सकता था अगर इंडिया वाले आवेश खान को न खिलाते तो. आवेश हाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले तीसरे भारतीय बने. हाँ। बोले तो उन्होंने अपने 4 ओवर में 53 रन दिए, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने बड़ी आराम से 40 रनों से मैच जीता और सुपर 4 में ये जगह बनाने वाली अफगानिस्तान के बाद दूसरी टीम बन गई है. इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब कि आज होने वाला श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला, फिर कल होने वाला हांगकांग वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला नॉकआउट हो गया है. जो जीतेगा वो सुपर 4 में पहुंचेगा. जो जीतेगा कल के मैच की अगर बात करी जाए तो कल का मैच
फॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था विराट कोहली के लिए। की प्रॉपर वैसे टीम नहीं, नहीं वो फूड डिलीवरी मतलब अलग से जॉब भी करते हैं, लेकिन यार लेकिन उन्होंने कल जो जज्बा दिखाया ना खेलने का, हैट्स ऑफ टू देम। और बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से भाई मैं तो कहूंगा कि एक रिस्पेक्ट वाली बात है कि वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब एक जॉब भी साइड बाय साइड, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो उनके बोर्ड की, जैसे इंडिया का बीसीसीआई है तो उनके बोर्ड की है, लेकिन आने वाले वक्त में हर एक चीज होती है, अगर प्लेयर्स मेहनत करते हैं, बोर्ड को भी स्पॉन्सरशिप आती है तो और अच्छे लेवल पर भी हर चीज हो सकती है। लेकिन कल का मैच अच्छा था, बैटिंग में फाइटिंग रोड यार 150 बनाया उन्होंने, 19 साल का लड़का। हाँ वो, और उनका जो जो कैप्टन है अमेजिंग खेलते हैं वो भी। प्लस कल सूर्य कुमार यादव का तो ऐसा लग रहा था कि यार मजाक से कर रहा था तो, कि भैया मैं तो अभी बैटिंग कर ही रहा था जो एक वीडियो में, और मैंने कहा कि आए और ऐसे अरे पानी पीने गया था आगे, चलो पीछे के पुल शॉट हर जगह के स्वीप से स्टार्ट कर रहे बैटिंग, मजाक बना रखे। और लेकिन वो भैया देखो ये मस्ती मजाक अलग, ये सब चीजें आती है हार्ड वर्क डेडिकेशन लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस से। और प्लस कोहली बैक टू फॉर्म, बहुत ही क्लासी शॉट्स खेले जो मतलब जो छक्के मारे ना बिल्कुल देख के आप बोलोगे भैया मजा आ गया जिस चीज के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। हाँ, और कल का मतलब देखो दिन दिन होता है, कल आवेश खान का दिन नहीं था तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी हुई नहीं, और पूरे मैच की समरी आर्यन के स्टाइल में देखने में अलग ही मजा आता है। और एक और अगर बात करी जाए उनसे तो पूछ नहीं सकते, सूजी है पाकिस्तान के लिए बहुत वो हो गया है, मतलब कि जीतना पड़ेगा हांगकांग से, अगर हार गए तो हांगकांग क्वालिफाई कर जाएगी, जीत गए तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगी, कर जाएगी तो मेरे हिसाब से फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और फिर सब बढ़िया रहा और मजा आया तो इंडिया पाकिस्तान को फाइनल में देखने को मिल जाएंगे। फाइनल में मिल गए तो भैया अलग ही स्वाद है उस मैच के, तो क्योंकि एनर्जी ही अलग रहती है, माहौल अलग रहता है। बाकी एक बार सूर्य कुमार ओपी जरूर हो जाए, स्काई जो निकनेम शॉर्ट फॉर्म का कल वो विराट कोहली ने भी ऐसे बो डाउन किया था ना, अमेजिंग लगा था मेरे को। तो मिलते हैं आपसे जरूर जल्दी एक और वीडियो के साथ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।